हेलो डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अंतर पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, मैं जो आज अंतर पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, यही अंतर आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो मैं जो अंतर आपको करा रहा हूँ, इन पूरे अंतर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यही अंतर आने वाले हैं प्यारे साथियों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर है मोलरता और मोललता में अंतर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मोलर और मोललता में अंतर। आपको पता है भाई, मोलरता 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है, लेकिन जो मोललता है वो 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि जो मोलरता है, मोलरता का संबंध बिलियन के आयतन से होता है, क्योंकि इसमें 1 लीटर या 1000 ml का आयतन लिया जाता है, ठीक है। लेकिन मोललता का संबंध जो है ना, बिलियन के आयतन से नहीं होता, विलायक की मात्रा से होता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, विलायक की मात्रा का महत्व नहीं होता। मोलरता में विलायक का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसमें बिलियन लिया जाता है। लेकिन अगर मोललता में बात करें बेटा, तो बिलियन का महत्व नहीं होता, क्योंकि मोललता में विलायक लिया जाता है। दो अंतर, ताप क्रम परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाती है। अगर हम ताप में परिवर्तन करें तो ये परिवर्तित हो जाती है, और ये मोस्टली ज़्यादातर जो मोलरता है, ताप में बढ़ाने पर ये घटती है, लेकिन इस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मात्रक की बात करें तो मोल पर लीटर होता है, और इसका मात्रक होता है मोल पर किलोग्राम। और चौथा अंतर आप अगर बनाना चाहते हो तो बता देना, इसको हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं और इसको हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। ये आपके 4 अंतर हो जाएंगे प्यारे साथियों। 4 अंतर तो नहीं करना, बट अगर करना है तो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। जी हाँ, आदर्श और यहाँ अनादर्श, ठीक है, ध्यान से सुनो। आदर्श की बात करें तो ताप एवं दाब के संपूर्ण परास में है ना, मतलब राउल्ट नियम का पालन करते हैं। जो आदर्श विलयन है वो राउल्ट नियम का पालन करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यह सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं, और यह सभी तापों और सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। पहला पॉइंट आप ये बना सकते हो, है ना। आपको जो लिखा है ये बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं, आदर्श कहलाते हैं, और ये सभी तापों और सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एंथैल्पी परिवर्तन इनमें 0 होता है, किसमें, आदर्श में, और आयतन भी परिवर्तन 0 होता है, किसमें, आदर्श में, बट अनादर्श में एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होता और आयतन परिवर्तन भी 0 नहीं होता। ये बराबर नहीं है, आपको दिख रहा है 0 नहीं, 0 के बराबर नहीं है ना, देखो ये बराबर है, और बराबर को काट दे तो बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको 3 अंतर इसके कंप्लीट कर लेना प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। जी हाँ, अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या जो है वो अणुसंख्यता है, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण में परिवर्तित होते हैं या जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है, वो है अभिक्रिया की कोटि। जस्ट अपोजिट है, यह एक सैद्धांतिक पद है और ये एक प्रायोगिक पद है, ठीक है। ये हमेशा पूर्णांक में होती है और ये हमेशा प्रभाज में होती है। प्रभाज का मतलब ये बटे में भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी होती है। प्रभाज का मतलब ये है कि ये धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। इसका मान 0 नहीं होता, बट इसका मान 0 हो सकता है, ठीक है। 4 अंतर हो गए, 5 तो नहीं करना, 4 ही करना है, बट 5वां अगर करना है तो इसमें अभिक्रिया को क्रिया विधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन इसमें जानकारी होती है प्यारे साथियों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है, बहुत ज्यादा, और यही आपके पेपर में छपेंगे, मैं आपसे डायरेक्ट कह रहा हूं, यही आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर लो यार अभी, है ना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार सब्सक्राइब का बटन दबा लो और जल्दी से कम सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक, देखो प्यारे साथियों, जो दर स्थिरांक है, इस दर स्थिरांक को हम वेग स्थिरांक भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना। तो आपको वेग स्थिरांक आ जाए, दर स्थिरांक आ जाए, एक ही बात है ना। यह प्रति इकाई समय में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रा में होने वाला परिवर्तन है, और यह है दर नियम समीकरण में समानुपातिक का स्थिरांक है। जब प्रत्येक क्रियाकारक की सांद्रता इकाई होती है, तब इसका अभिक्रिया की दर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मान अभिक्रिया की दर के बराबर होता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आप ये मान सकते हो, है ना, या फिर देखो देखो, पहला पॉइंट आपको ये समझ में नहीं आया तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, वो कर लेना, ठीक है। देखो अभिक्रिया की दर,
है ना, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ये लिख लेना, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। अब दर स्थिरांक में क्या लिखना, दर स्थिरांक में लिखना इकाई सांद्रता के साथ होने वाली, सॉरी इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कहते हैं। इतना लिख देना पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, किसी भी क्षण इसका मान उस समय पर क्रिया कारकों की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब ऐसा कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका मान क्रिया कारकों की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है और इसका मान किसी भी समय के लिए इसका मान उस ताप के विशेष स्थिरांक, ताप के ताप पर निर्भर करता है, मतलब इसका मान ताप पर निर्भर करता है और इसका मान वेग स्थिरांक पर। इसकी इकाई सदैव मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है और इसकी इकाई कोटी पर निर्भर करती है, ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटी है उस पर निर्भर करती है। इसका मान क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है और इसका मान क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको पॉइंट इजी लगे वो आपके पॉइंट याद कर सकते हो, ठीक है। तो प्यारे साथियों, बस क्वेश्चन को आप देखो, यदि आपके पास और ईजी इनके आंसर है तो उनको भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं आंसर को करो, बस आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर है ना, तो भाई विभेदी इलेक्ट्रॉन एन माइनस वन डी कोश में प्रवेश करता है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप, ऐसा इसमें विभेदी इलेक्ट्रॉन मत लिखना, ये कंफ्यूजन है, ऐसा लिख लेना इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एन माइनस डी वन उपकोष में प्रवेश करता है, ऐसा लिखना इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एन माइनस वन डी उपकोष में प्रवेश करता है, और इसमें लिखना इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एन माइनस टू एफ उपकोष में प्रवेश करता है। प्रथम आयनन ऊर्जा इसमें अधिक होती है, उस प्रथम आयनन ऊर्जा इसमें कम होती है। संकुलों का निर्माण आसानी से होता है, संकुलों का निर्माण कठिनाई से होता है। तीन अंतर हो गए, चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से आप याद करो, ठीक है। क्या चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक में लिखना इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इनको, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, ध्यान रखना इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, और डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व। कितने अंतर हो गए, चार। अगर आपको पाँचवा अंतर याद रखना, तो डी ब्लॉक के तत्वों को चार श्रेणियों में वाटा विभक्त किया गया है, तो ऐसा लिख सकता है डी ब्लॉक को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है, और एस में लिख देना एफ ब्लॉक को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला है एफ जो है ना, एफ ब्लॉक का है मतलब ऐसा है कि 4F और 5F में अंतर है ना, ध्यान से सुनो, 4F और 5F, देखो 4F है वो लेंथेनाइट को कहते हैं, 5F है वो एक्टिनाइट को कहते हैं, तो 4F और 5F में भी अंतर आ सकता है। तो ये गुणों के आधार पर हम अंतर करेंगे इसका, प्यारे साथियों, किसके आधार पर करेंगे इसका अंतर, हम गुणों के आधार पर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट है आपका, देखो गुण के आधार पर, मतलब विभेदी का मतलब होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, विभेदी का मतलब क्या होता है, अंतिम, विभेदी जो लिखा है इसका मतलब है अंतिम, है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, तो 4f ऑर्बिटल में और एक्टिनाइड में 5m में प्रवेश करता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था मुख्य रूप से प्लस तीन ऑक्सीकरण अवस्था तथा कुछ तत्व प्लस दो और चार बताते हैं ना, तो मुख्य रूप से तो तीन है और इसके अतिरिक्त 4, 5, 6 और ये सब बताते हैं, ठीक है, तो आप ये अंतर मत कर लेना, है ना, ये मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पहला आपका ये अंतर है ये कर लेना, दूसरा संकुल बनाना, संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है और संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, दो अंतर हो गए। तीसरा रेडियोधर्मिता है ना, प्रोमीथियम के अतिरिक्त सभी रेडियोधर्मी हैं और इसमें सभी रेडियोधर्मी हैं, ठीक है, तीन। और चौथा यौगिक की क्षारीयता, तो कम होती है इसमें यौगिक की क्षारीयता और इसमें अधिक होती है, ये चार अंतर आप कर लो, बस चार ही अंतर आपको आने हैं, पाँच नंबर का तो क्वेश्चन ही नहीं आना है ना, चार ही आने हैं, तो आपको जो मैंने यहाँ पर टिक लगे हैं बस इन अंतरों को आप क्या कर लेना, याद कर लेना, पहले साथ याद हो जाएंगे, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। चलो अगला है फिनॉल और एल्कोहल में अंतर, जी हाँ फिनॉल और जो एल्कोहल है प्यारे साथियों इसमें अंतर आपको लिखना है, ठीक है, फिनॉल और यहाँ एल्कोहल, ठीक है, तो इसमें दिखला फिनॉलिक गंध आती है और इसमें मीठी गंध आती है, अम्लीय तथा क्षारों में घुलकर लवण बनाते हैं, जो फिनॉल है अम्ल और क्षारों में घुलकर लवण बनाते हैं, बट ये जो है उदासीन है तथा क्षारों के साथ क्रिया नहीं करता, दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट प्यारे साथियों आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण करने पर रंगीन उत्पाद बनाते हैं, संकर आप मत लिख लेना, है ना, रंगीन उत्पाद बनाते हैं और सरलता पूर्वक एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वो हमने देखा था ना अल्कोहल के परीक्षण की विधियां, उसका है ये, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट आप ये मत करना याद, तीसरा पॉइंट आप ये याद करना, हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते और ये हैलोजन अम्ल के साथ एल्किल हैलाइड बनाते हैं, तो ये आपको चार अंतर कर लेना है, ठीक है, जो मैंने आपको टिक लगाए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं वही अंतर आपको कर लेना है प्यारे साथियों, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन प्यारे साथियों SN1 और SN2 में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों अंतर, ठीक है,
इनकी अभिक्रिया की दर केवल क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है और इनकी अभिक्रिया की दर क्रियाकारक और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, इसका वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ता है और इसका वेग ध्रुवीय विलायकों में घटता है। ठीक है, और यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है और अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। आयनिक होने के कारण यह अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है और यह अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होती है। ठीक है, अब पहले पॉइंट को अगर आप बदलना चाहते हो तो देखो बदल लो। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में एक अणु भाग लेता है, देखो आपको पहला पॉइंट में क्या लिखना है, वह अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में एक अणु भाग लेता है SN1 कहलाती है, और इसमें क्या लिखना, वह अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में दो अणु भाग लेते हैं SN2 अभिक्रिया कहलाती है। पहला पॉइंट आप बदलना चाहते हो तो बिल्कुल आप बदल सकते हो। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट कर लेना बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, डीएनए और आरएनए में अंतर। बिल्कुल, इसकी संरचना डीएनए की बात करें तो द्विहेलिक्स संरचना होती है और इसकी संरचना एकल हेलिक्स होती है। बहुत बढ़िया, यह डाई ऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और यह राइबोस शर्करा होती है ना। तो ये आपके ऑब्जेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो डी ऑक्सीराइबोस होती है और इसमें केवल राइबोस होती है ना। इसमें पायरीडिमीन क्षार के मुख्य थायमिन होते हैं और इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है, चाहो तो आप ये पॉइंट मत याद रखना। चौथा पॉइंट आप तीसरा पॉइंट आप याद रखना, ये साधारणतः नाभिक में पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम में पाया जाता है। तीन अंतर हो गए। चौथा, यह पैतृक गुणों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं, यह मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण में कार्य करते हैं। तो ये चार अंतर आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो बस चार अंतर करो आप, चार नंबर से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आना नहीं है, पाँच नंबर का तो क्वेश्चन आना नहीं है, चार ही का आना है तो ये चार कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा एमिनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर। देखो दोस्तों, कभी आपको डायरेक्ट आपको एमिनो अम्ल और प्रोटीन में भी अंतर पूछ सकता है, तो यही प्रोटीन सॉरी एमिनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर है और यही आपका क्या है प्यारे साथियों, अल्फा एमिनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो पहला है पॉइंट है सरल यौगिक जिनमें एमिनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह दोनों होते हैं। देखो, ऐसे यौगिक जिनमें एमिनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों होते हैं वो एमिनो अम्ल होते हैं, है ना। जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्रोटीन होते हैं और इसमें दूसरा है एमिनो अम्ल के संयोजक संयोजन से पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन बनते हैं, लेकिन प्रोटीन के जल अपघटन से एमिनो अम्ल बनते हैं। ठीक है, अब दूसरा है इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण है ग्लाइसिन और लाइसिन, उसका है हीमोग्लोबिन और कैसिन। बस खत्म, दो अंतर ही इसमें कर लेने हैं, है ना। तीसरा, अब देखो दो अंतर हैं, अब आपको यदि तीसरा पॉइंट बनाना है प्यारे साथियों तो तीसरा पॉइंट जो आपका उदाहरण है इसको बना सकते हो, ये आपका तीसरा पॉइंट बना सकते हो ये। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और अगला है रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर। ठीक है, चलो पहला पॉइंट देखो, दो पॉइंट आप तो मोस्टली याद रखना, रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय होते हैं और ये जल में विलेय होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, रेशेदार प्रोटीन पीएच और तापमान के प्रति सक्रिय होते हैं लेकिन ये प्रोटीन ताप और पीएच पर निष्क्रिय होती हैं। तो दो अंतर यही हो गए। अब तीसरा पॉइंट आप क्या बना सकते हो, तीसरा पॉइंट आप बना सकते हो, देखो पहला पॉइंट आपको नहीं करना, बिल्कुल मत करना, ये लिख लेना, ये धागे के समान लंबे होते हैं, है ना। पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो या तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो रेशेदार प्रोटीन में, कि ये धागे के समान लंबे होते हैं और ये प्रोटीन गोलाकार होते हैं, बस ये कर देना, है ना। तो ये आपके अंतर जो हैं, इतने अंतर मैंने आपको जो बताए हैं ये कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो एक अंतर मैं और बताऊंगा जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन वो अंतर आपको कंप्लीट कर लेना। देखो प्यारे साथियों, वो बता रहा हूँ, वो अंतर है हमारा द्विक लवण। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है द्विक लवण, ठीक है, द्विक लवण, और यहाँ लिख दिया मैंने संकुल यौगिक। द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर, द्विक लवण और बेटा संकुल यौगिक में अंतर। तो द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर आपको क्या लिखना है, देखो पहला लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना, पहला पॉइंट लिखना द्विक लवण में, ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं किंतु जलीय विलयन में अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं किंतु जलीय विलयन में अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं उन्हें द्विक लवण कहते हैं। संकुल यौगिक में लिखना है, ऐसे यौगिक जो ठोस और जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं संकुल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है, इसमें आयनिक बंध होता है। द्विक लवण में लिखना है, इसमें आयनिक बंध होता है। ठीक है, संकुल यौगिक में लिखना, इसमें आयनिक एवं उपसहसंयोजक बंध होता है। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप बेटा क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट लिखोगे द्विक लवण में,
यह यौगिक अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, और इसमें लिखोगे यह यौगिक अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। ये जो मैंने तीन पॉइंट बोले हैं बहुत अच्छे से लिख लेना, बस इतने अंतर कर लोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई एक भी अंतर आपका बाहर नहीं जाना, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे, और आप पेपर के बाद आकर मुझे बता देना कि सर हमारा ये वाला अंतर बाहर गया है, बिल्कुल भी अंतर नहीं जाएगा बाहर, ठीक है? कह दिया मतलब कह दिया, ठीक है? ध्यान से सुनो, है ना? तो भाई अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी करो, ठीक है? और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।